हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। एंड आज हम देखने जा रहे हैं कोरल रॉ का लेक्चर नंबर 41। सो अगर आपने पहले के लेक्चर नंबर 0 to 40 नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हैं प्लेलिस्ट का, या फिर मैं आपको राइट साइड में कार्ड्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट की शुरुआत कर दी थी, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की शुरुआत कर दी थी। तो अब हमारे पास है टैब्स, कॉलम्स, बुलेट, ड्रॉप कैप्स, ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली आपको कब काम आएंगे, जब आप कोई पेज का या मैगजीन का लेआउट बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सैम्पल टेक्स्ट है मेरे पास जो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अगर आप सैम्पल टेक्स्ट इंटरनेट पर लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। इसका मैं साइज कम कर लेता हूँ, 10 इज गुड। तो बेसिकली अगर आप टेक्स्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट करें एंड आपके पेज के ऊपर ड्रैग करें तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही सारी ये चीज़ें काम करती हैं जो कि हैं आपके पास टैब्स, कॉलम्स, बुलेट एंड ड्रॉप्स। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ एंड यहाँ पर हम सबसे ऊपर टैब्स में आते हैं, तो टैब्स मीन्स जो हम अपने बॉक्स के अंदर इनके ऊपर जो टैब दबाते हैं, ये दिस इज कॉल्ड टैब्स, कैप्स लॉक के जो ऊपर बटन होता है वो। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या करता है, जब हम कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं तो जैसे पहले एक बार टैब दबाते हैं एंड सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात चल रही है। तो टैब्स के जो एल 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 लिखा रहा है यही बेसिकली जो इसके अंदर जो टैब्स लिख के बता रहे हैं ये वही है एल 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 एल, एंड ये उसका स्पेसिफिक एक एक टैब का पोजीशन है। तो आपके एक टैब दबाने पे आपका ये इसके अंदर नेक्स्ट पे जाता है जो है ये 1 mm, फिर उसके बाद 1.5, 2, 2.5 ऐसा सब यहाँ तक दिया हुआ है इसके अंदर 6 तक। अगर आप चाहते हैं कि एक टैब आपका इतना दूर तक जाए तो आप इसको यहाँ से ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आपका एक टैब वो पहले उस तक जाएगा। बट उसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा नॉर्मल रखें, आपको एक नहीं आप दो टैब्स दबा सकते हैं आपको चाहिए तो ऐसे यहाँ पर ये टैब्स काम में आता है। अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, और ना फिर या फिर अगर टैब्स ये पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ ओके नहीं होगा। यहाँ से आप अलग से भी कोई टैब का हाईलाइट वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह है कॉलम्स। कॉलम्स काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आपको दो कॉलम्स बनाने हैं जो कॉलम्स में हम लिखते हैं तो ये उसके लिए ऑप्शन है, इक्वल विड्थ रखेंगे। जैसे हम एक का भी हम दो कॉलम कर देते हैं, नहीं तीन कॉलम करते हैं। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन कॉलम्स ऐड हो गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इनको, जैसे मुझे सपोज ये जो मिडिल वाला कॉलम है ये मुझे बड़ा चाहिए, तो आप इसको अपने हिसाब से इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसको कर दूंगा 3 एंड इनको रखूँगा मैं फर्स्ट वन को अराउंड मैं रखूँगा 2। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले कौन सा का विड्थ वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास ओके करते साथ ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, देन आपके पास तीन कॉलम्स आ गएंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगर वापस हम कॉलम्स के सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, अब कॉलम्स तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास गटर करके। तो ये गटर ऑप्शन क्या करता है, जो इसके बीच का जो स्पेस है वो डिसाइड कर सकता है। जैसे अगर मैं इसको 0.2 कर दूँ एंड इसको भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेसिंग कम हो गया, तो आप इससे उसका बीच का गैप डिसाइड कर सकते हैं 0.2। तो देख रहे हैं उसके इंस्टेड वो बड़ा हो गया। तो अगर हम अब हमारे टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट है वो, तो हम इसको करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट। देन देख रहे हैं एक और बार पेस्ट करूँगा तो बेसिकली ये पैराग्राफ एक ही रहता है एंड वो उसको तीन कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। तो हमारा यहाँ पे काफ़ी काम बच जाता है। अगर मैं इसको फोर्स जस्टिफाई कर दूंगा तो फिर ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको अगर ऐसे परफेक्टली टेक्स्ट आपको ऐसा बिठाना है, अगर मैं F9 प्रेस करूँगा तो वो भी नहीं दिखेगा जो
कॉर्नर्स दिख रहे, तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको कुछ चीज़ ऐसे परफेक्टली सेट करना है तो मैनुअली करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज रहनी चाहिए। तो काफ़ी यूज़फुल है, यूज़ करिए, काम में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है कॉलम्स के बाद हमारे पास बुलेट्स हैं। तो अगर समझ लीजिए मुझे पर्टिकुलर इसके अंदर बुलेट्स चाहिए, तो अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँ एंड देन हम इसके अंदर जाएँ, बुलेट्स में जाएँ, बुलेट्स ऐड कर दें, यहाँ पर सिंबल जो भी आपको देना है, यहाँ से आप सिंबॉलिक फॉन्ट से जो है वो बेसिक सिंबॉलिक फॉन्ट्स यूज़ कर लें एंड उसको दे दें, जैसे मैं अभी के लिए ये यूज़ करता हूँ। कूल तो ये, हाँ सॉरी, ये एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता, ये अगर मुझे यहाँ चाहिए तो मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर आए एंटर दबा दें, देन वो पिछले वाला जो लाइन है वो ऊपर ले गया और वहाँ पर आपको एक बुलेट दे देगा। तो सिंपली बुलेट्स ऐसे यूज़ करते हैं हम। ये सिलेक्ट करें, आप वापस से टेक्स्ट के अंदर जाएँ, बुलेट्स में जाएँ एंड जो भी आपको दूसरा कोई फॉन्ट देना है या फिर आपको कुछ दूसरी बुलेट चाहिए तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह है बेसिक बुलेट्स, कैसे आप कोरल ड्रॉ के अंदर बुलेट डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बिकॉज ये काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज ये सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ों से हो सकती हैं, बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैन्युअली करने में इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुलेट्स के पास है, वो है बुलेट्स के बाद है वो है ड्रॉप कैप्स। तो ड्रॉप कैप्स क्या काम आता है, अगर समझिए, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, दिस इज द ग्रेट न्यूज़ फॉर एग्जाम्पल, एंड हम इसका टी कैपिटल कर देते हैं एंड इसको सिलेक्ट करके हम इसके अंदर जाते हैं, ड्रॉप कैप्स पे क्लिक करेंगे, ये यूज़, तो देख रहे हैं उसका टी ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया है, या फिर यहाँ पर आपको जितना उसका साइज़ देंगे, यहाँ पे 3 इज़ इनफ और 2 माइट बी। तो यहाँ पे इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके हिसाब से आ जाएगा, कॉपी करके पेस्ट। तब देख रहे हैं जो फर्स्ट वर्ड है उसने वो ऑटोमेटिकली बड़ा ले लिया एंड आगे के वर्ड्स उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी काम में आएंगी आपको, जो है बुलेट्स हैं, कैप्स हैं एंड ऑल, ड्रॉप कैप्स हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट प्लेग्राउंड। तो फॉन्ट प्लेग्राउंड क्या करता है, बेसिकली फॉन्ट प्लेग्राउंड आपको एक ऑप्शन देता है कि मैं इसको कभी यूज़ करता हूँ जब मुझे, समझ लीजिए, पूरा कंपनी का ब्रांडिंग करना है या डिज़ाइनिंग करना है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। फर्स्ट काम मैं अपना एक थीम बनाने के बाद क्या करता हूँ कि फॉन्ट प्लेग्राउंड खोलता हूँ एंड उसके अंदर आप यहाँ से कुछ फॉन्ट चूज़ करें। जैसे मैंने एक सपोज़ करिए कुछ फैंसी फॉन्ट लेते हैं, थोड़ा फर्स्ट फॉन्ट ये ले लिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेकंड फॉन्ट मैं लूँगा कुछ इससे रिलेटेड, जैसे ये फॉन्ट ले लिया, तो ये जैसे अगर मुझे कहीं भी अभी ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी हेडिंग लिखना है तो मैं इससे लिखूँगा, और मुझे उसका सब आगे का कैटेगरी लिखना है तो मैं इससे लिखूँगा। बिकॉज अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग, तो हम इसको ये फॉन्ट दे देंगे, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इसके अंदर लिखेंगे हेडिंग। सो ये क्या काम आता है, आपको एक फॉर बेसिकली स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ सिलेक्शन करने में काम आता है कि आपको यही फॉन्ट्स यूज़ करने हैं इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट इससे कितना रिलेट कर रहा है, और आप फिर वही पर्टिकुलर फॉन्ट के थीम के साथ अपने पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर एड अनदर एग्जाम्पल करेंगे तो आपके पास और आ जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं किस तरह से देखेंगे मैं, बट मैं बेसिकली फर्स्ट वन ही प्रेफर करता हूँ, उसके अंदर आप नंबर्स ऑफ फॉन्ट, बट ये इसलिए ताकि आपकी फॉन्ट गलत कैटेगरी में नहीं जा रहा। जैसे एक फॉन्ट मैंने ऐसा यूज़ किया एंड अगर मैं नेक्स्ट फॉन्ट, जैसे हम गौथम यूज़ कर रहे थे, मैंने अगर ऐसा यूज़ किया देन ये दोनों का कोई भी मैच नहीं है, इसलिए अगर आप आउट ऑफ सिंक ना हो जाए अपने फॉन्ट्स के साथ, इस वजह से ये पहले डिसाइड किया जाता है जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले रहते हैं। तो आई गेस आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट टूल्स के अंदर क्या क्या थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो हम चेकआउट करेंगे। टिल देन आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए,
सिनेमा 4D, आफ्टर इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप के काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर चालू हैं, तो मिस नहीं करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय।